अब देखिए मेरा मसाला भुंज गया है, ये देखिए कितना अच्छा कलर भी आ गया है, तेल इसमें छोड़ दिया है मसाले में, तो समझ लीजिए मसाला मेरा पक गया है। ये देखिए अब ये मैं कच्चा पनीर छोड़ूंगी, तलूंगी नहीं, तलने से बहुत हैवी हो जाता है। अब मैं इसमें थोड़ी सी धनिया डाल दूंगी। अब ये मेरी मलाई पनीर तैयार हो गई। ये देखिए दोस्तों मेरी मलाई पनीर तैयार हो गई है, देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है, ये देखिए कितना प्यारा कलर है, बहुत टेस्टी है। वाओ, आप खा के देखेंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए दोस्तों, अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।